हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक को हम लोगों ने चालू कर रखा है, उस टॉपिक का नाम है बच्चों टेंस। टेंस में हमने जो टॉपिक पढ़ लिया है, मैंने आपको जो बता दिया है, उसमें देखिए मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बताया है। कौन सा बताया था? प्रेजेंट टेंस। देखिए बच्चों, बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमने जो पढ़ लिया, जो भी टॉपिक पढ़ लिया हमने प्रेजेंट टेंस में, वो पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोज में जाकर के देख लीजिए, चैनल पे जाकर के देख लीजिए, आपको सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू 1 2 3 4 कंप्लीट आपको मिलेंगे, कहीं भी दो पार्ट बनाए हुए हैं। तो आप अब जो आगे पढ़ेंगे इस प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आपने कंटिन्यूअस अलग से पढ़ा था, जिसकी आइडेंटिटी हिंदी के अंदर रहा है, रहिए रहे हैं। परफेक्ट आपने पढ़ा था, जिसमें चुका है, चुकी है, लिया है, लिए, ठीक है ना। अब जो आगे जो बन के आया है, वो दोनों को मिलाकर के किया गया बच्चों। तो इसकी आइडेंटिटी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी यानी कि इसकी पहचान क्या है बच्चों। पहचान को हम लोग देखते हैं तो पहले हिंदी में देख करके चलते हैं। ध्यान समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई लोड नहीं है आपका, समझ गए ना। देखिए आइडेंटिटी में, देखिए कंटिन्यूअस में क्या था बच्चों? रहा है, ये था ना, रही है, और एक था, हाँ बिल्कुल, रहे हैं। तो बात आ गई रहा है, रहिए रहे, तो फिर कंटिन्यूअस परफेक्ट के कहाँ चलेगी? तो चुका है, चुका रहा है कर दे, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, इसमें कुछ कार्य चल रहे होते हैं समय के साथ में, और कुछ कार्य जो है पूरा हो चुका होता है। तो हो चुका होता है परफेक्ट में, चल रहे हैं कंटिन्यूस है, तो वो समय से लग जाता है बच्चों, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या हो गई? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि जैसे मैं कहूं राम सुबह से पढ़ रहा है, तो देखिए रहा है तो आ गया कंटिन्यूस में, लेकिन इसमें क्या दिया है, साथ में आ गया सुबह से, क्या आ गया? सुबह से, समय दिया हुआ आ जाएगा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसमें काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब, देखते हैं हम लोग HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग इसमें होता है, वो होता है जो हमारी हैज और हैव जो वर्ब है, हैज और हैव, इसके साथ में क्या लगा देते हैं बच्चों? बीन लगा देते हैं, यानी हैज बीन और हैव बीन। समझ में आ गया होगा? हैज आपको बताया हुआ है, यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? ओके, आगे चलें। देखिए इसको मोटे रूप से है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक आती है, वो आती है मैन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। तो देखिए मेन वर्ब में जो प्रयोग होता है, वो थर्ड फॉर्म तो कर नहीं सकते, रहा है कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब इसमें जो प्रयोग होता है फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ये तीन बातें हमने जानी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, यानी साथ में से लगेगा, तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब देखें, हैज हैव के साथ आया है बच्चों बीन। मेन वर्ब देखें तो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस। तो बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि इसका सकारात्मक वाक्य, इसका पैटर्न क्या होगा? देखिए आप लोगों के माइंड में चल रहा है, बोले सर आपने एक चीज मेन चीज तो बताई नहीं, तो बच्चों बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लॉजिकल होता है। आप सोच रहे हो सर समय दिया हुआ है, सिंस फॉर आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैं सेंटेंस में बताता हूँ उसको, ठीक है ना। कैसे? देखिए सेंटेंस में देखिए ऐसे यूज होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव,
प्लस उसके बाद आ जाएगा बीन, प्लस उसके बाद आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद हम लोग जो इसमें प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे सीन्स या फॉर का, प्लस उसके साथ इसमें आ जाएगा टाइम यानी के समय। तो ये बात मैंने आपको नहीं बताया जो कंपलसरी आना, ऑब्जेक्ट आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों देखिए इसमें जो समय से दिया हुआ होता है यानी कि समय, इसमें जो टाइम दिया हुआ होता है क्या होता है टाइम, वो दो तरह से होता है बच्चों। एक तो होता है देखो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हम कहते हैं निश्चित समय। क्या बोलते हैं बच्चों? निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय बच्चों जो प्रोसेस में नहीं हो यानी कि जो बढ़ते हुए में नहीं हो, कहने वाला संडे आ गया तो संडे एक फिक्स है तो फिक्स आ गया, मंडे आ गया, मॉर्निंग है इवनिंग है, ठीक है, जैसे डेट है कोई या 2005 है, सन है, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम लोग यूज करते हैं बच्चों सीन्स का प्रयोग, समझ में आ गया। और दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा होता है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? उसमें जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आई किसी को? क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए, क्लियर नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर सबको दिख रहा है ना? ना क्लियर आ रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, पी ए आर आई और डी, आर आई और डी, ओके। तो देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर किसका प्रयोग किया जा रहा है? वो किया जा रहा है फोर का प्रयोग, यानी अनिश्चित समय। पीरियड टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों? वो होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय जिसकी हम बात करें, जैसे कि हमारा दो दिन चार दिन, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, दो घंटे चार घंटे, समझ में? अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा? अच्छा दिख नहीं रहा है, अभी सही कर देते हैं, एक मिनट। अच्छा आप सही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आवाज़ ठीक आ रही है, ओके। देखिए तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फिक्स निश्चित समय के, निश्चित समय के साथ में आ जाएगा सीन्स, और जो हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यानी कि ये होता है बच्चों अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय दो दिन चार दिन दो घंटे पाँच घंटे, ये जो होता है वो होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको इसके सेंटेंस बताता हूँ। फटाफट से जो है आप स्क्रीन शॉट इसके ले लीजिए, हो गया। देखिए आगे पॉजिटिव सेंटेंस हम इसमें जान रहे हैं, हमने इसमें साथ में पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जाना, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये दोनों यूज होते हैं, क्लियर है? ओके मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल बेझिझक होकर के, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम आपको लगी है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य पैटर्न हमने देखा है इसका, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, ओके, क्या जाएगा? समय। देखिए सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लोग इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, पढ़ने वाला अध्ययन करना, ठीक है ना, यहाँ पर रीड करने वाला भी होता है, रीडिंग करना, रीड कर रहा है भाई, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे बच्चों? देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे राम, सब्जेक्ट आ गया,
अब राम में हैज बिन आएगा, हैव बिन, शाबाश, क्या रहेगा, हैज बिन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम हैज बिन, उसके बाद क्या आ जाएगा, रीडिंग, पढ़ने का बोलते हैं रीडिंग, क्या ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, राम हैज बिन रीडिंग इंग्लिश। अब आ गया सुबह से, तो क्या सुबह से क्या निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है, तो क्या करेंगे, सीन्स मॉर्निंग, क्या आ जाएगा बच्चों, सीन्स मॉर्निंग, राम हैज बिन रीडिंग इंग्लिश सीन्स मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसी को बनाता हूँ, मैंने लिखा राम, राम दो घंटे से खेल रहा है, राम दो घंटे से खेल रहा है, तो बताइए क्या बन जाएगा इसमें, तो राम का तो हो गया राम, राम, राम के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन खेलना, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, राम हैज बीन प्लेइंग, आप देखिए दो घंटे तो फॉर टू, टी डब्ल्यू ओ, टू आवर्स, एच यू आर एस, एच ओ यू आर एस, ठीक है, तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए और बनाते हैं, जैसे मैं कहूँ मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, पिछले दो दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपको मैंने बताया उसमें थोड़ा मैटर चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, मेरा दोस्त नहीं है बच्चों, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, माय फ्रेंड्स हैज या हैव, प्लूरल आ गया तो हैव बीन, माय फ्रेंड्स हैव बीन, क्या कर रहे हैं, पहले तो खेल रहे हैं, प्लेइंग, क्या प्लेइंग कर रहे हैं, फुटबॉल, माय फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, सीन्स या फॉर, यहाँ मैंने कर दिया लास्ट टू डेज, लास्ट टू डेज, अब बताइए बच्चों इसमें क्या होगा, सीन्स आएगा या फोर आएगा, बताइए, देखो टू डेज अगर आता तो क्या करते, फोर करते, लेकिन लास्ट आया पिछले दो दिन से, तो फिक्स कर दिया, अगर ओनली टू डेज होता तो क्या होता, कौन से दो दिन से पता नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लास्ट आया है, तो लास्ट टू डेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिछले दो दिन से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सीन्स, क्या आ जाएगा बच्चों, सीन्स आया, समझ गए, सीन्स आ गया। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आप इनको बनाइएगा, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं, जो सेंटेंस आपको जो है बनाने हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, ठीक है ना, देखिए सेंटेंस ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सेंटेंस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए सेंटेंस जो है उसमें मैं लिख रहा हूं, पहला सेंटेंस, मैंने लिखा राम दो दिन से पुस्तक लिख रहा है, देखिए क्या है, राम दो दिन से पुस्तक लिख रहा है। दूसरा, गोपाल सुबह से उपन्यास लेता है, क्या कुछ और लेते हैं, दो दिन से नॉवेल भी क्या है, दो दिन से पुस्तक
पढ़ रहा है। गोपाल दो दिन से पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद और सेंटेंस लेके लेते हैं। हम 1990 से जयपुर में रह रहे हैं। हम 1990 से जयपुर में रह रहे हैं। और सेंटेंस देखिए, जैसे वे पिछले सप्ताह से पिछले सप्ताह से मतलब लास्ट वीक। तो लास्ट वीक में क्या हो जाएगा? लास्ट वीक हो जाएगा पिछले सप्ताह से घर की सफाई कर रहे हैं। ये हो गया 3-4। एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा, गोपाल हो गया दो दिन से, हो गया एक लेके चलते हैं नब्बे सप्ताह में रविवार। जैसे मैंने कहा, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस जो है आप इनको बनाइए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर आप दे सकते हैं चार साथ में जो है। और आगे जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों सेंटेंस हम पढ़ेंगे। सिंस फॉर आपको आना चाहिए इसमें साथ में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आपको पता है इसमें हैज हैव और उसके साथ बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।